हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फॉरेंसिक्स फॉर यू। मैं आदित्य और आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्राइमर्स की। प्राइमर को हम प्राइमिंग मिक्सचर, प्राइमिंग कंपाउंड और परकसन मिक्सचर भी कहते हैं। ये एक हाईली सेंसिटिव एक्सप्लोजिव केमिकल होता है। एक प्राइमर फ्रिक्शन सेंसिटिव हो सकता है, हीट सेंसिटिव हो सकता है, शॉक सेंसिटिव हो सकता है और इंपैक्ट सेंसिटिव भी हो सकता है। 1887 में जेम्स ने एक शॉक सेंसिटिव एक्सप्लोजिव की खोज की, जिसे मरकरी फल्मिनेट कहा जाता है। इसके बाद 1814 में जोशुआ ने परकसन कैप को डिजाइन किया, जिसमें इन्होंने मरकरी फल्मिनेट का ही प्रयोग किया था। 1928 में एक जर्मन कंपनी RWS ने सनॉक्साइड नाम से एक प्राइमर का पेटेंट कराया था, जिसमें लेड स्टिपनेट को मेन एक्सप्लोजिव कंपोनेंट की तरह प्रयोग किया। इसके बाद 1980 में गेको ने जिंक और टाइटेनियम बेस्ड प्राइमर बनाए। अब हम बात करेंगे प्राइमर के कंपोजिशन की। एक प्राइमर में इनिशिएटर होता है, जो कि एक हाईली सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, और इसमें फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है और स्टेबलाइजर होता है। मरकरी फल्मिनेट प्राइमर का यूज सबसे पहले हुआ था। इसके कंपोजिशन में मरकरी फल्मिनेट, पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, सल्फर और ग्लास तथा गन पाउडर का यूज किया जाता है। लेकिन इस प्राइमर कंपोजिशन के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे कि जो मरकरी होता है वो बैरल में डिपॉजिट हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड भी बैरल में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे क्या होता है कि जो पोटेशियम क्लोराइड है वो एनवायरनमेंट में से मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे बैरल में रस्टिंग हो जाती है और फॉलिंग भी होती है। इन ड्रॉबैक से बचने के लिए प्राइमर के कुछ नए कंपोजिशन प्रयोग किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, एक प्राइमर कंपोजिशन में लेड स्टिपनेट, बेरियम नाइट्रेट, लेड परऑक्साइड और टेट्रासिन का प्रयोग किया जाता है। एक और एग्जांपल है जिसमें लेड ट्राइनाइट्रो रिसोर्सिनेट, टेट्रासिन, एंटीमनी सल्फाइड और कैल्शियम सैलिसाइड तथा लेड नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड का प्रयोग किया जाता है। एक और प्राइमिंग कंपोजिशन है जिसे FA70 कहा जाता है, जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट आर्सेनल नंबर 70। इसमें पोटेशियम क्लोरेट, एंटीमनी सल्फाइड, लेड सल्फोसाइनाइड और TNT का प्रयोग किया जाता है। हमारी कंट्री में जो प्राइमर का यूज होता है उसका कंपोजिशन कुछ इस तरह है। इसमें लेड स्टिपनेट, एंटीमनी सल्फाइड, बेरियम नाइट्रेट, PETN, टेट्रासिन और एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है। प्राइमर दो तरह के होते हैं, बर्डन प्राइमर और बॉक्सर प्राइमर। बर्डन प्राइमर को 1866 में बर्डन ने इन्वेंट किया था। इसमें प्राइमर पॉकेट के अंदर स्मॉल बम्प होता है जो एनविल का कार्य करता है, और इसमें दो फ्लैश होल्स होते हैं। बॉक्सर प्राइमर 1866 में एडवर्ड बॉक्सर ने इसको पेटेंट कराया था। इसमें प्राइमर पॉकेट में एक सेपरेट एनविल होता है, इसमें एक ही फ्लैश होल होता है। अगर आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया हो तो आप अपने रिव्यूज या नोट्स के रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो हमें दिए हुए ईमेल आईडीज पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। We'll be right back.